दो साल की लॉकडाउन लगा, आपको लाश यहाँ उठाने वाला था, आपको माँ बाप मर जाता, पत्नी मर जाता, हम मर जाते भाई आपको, तो क्या ये कौन करने वाला था? नहीं, प्रेशर नहीं, कोई चोरी नहीं किया हुआ है, जो अच्छाई जो बात है उसको सच्चाई में डालिए। हम बोल रहे हैं मनमोहन सिंह क्या करे, एक देशवा के तरह दूसर के हुकूमत पर चलाते थे, एक शब्द नहीं निकल पाए और मंदिर बनाए हम, कहिएगा जो हम आज जब नरेंद्र मोदी जी निकाला 14 दिन पर, क्या कोई दूसर माँ की बाप के ताकत था? परफेक्ट बात है, वही चीज तो हम भी बोल रहे हैं। आप भी पढ़े लिखे हुए, हम लोग कम पढ़े हुए, बिजनेसमैन भूंजा खा के जिंदगी काट रहे हैं, वही मुझे हाथ में है, आपको हम खिलाएंगे भी। बतिया बोल रहे हैं, वही तो हम, हमारा जवाब दीजिए, आप मोदी जी को बेहतर मान रहे हैं? सबसे टॉप है धरती पर, अभी ऐसा ही बेटा चाहिए, जोगी ऐसा चाहिए, तभी देश सुधरेगा, नहीं तो और खाई में चल जाएगा, दूसरा आएगा तो। आज अब ये बताइए कि मोदी जी ने क्या बेहतर कर दिया कि सबसे टॉप में मान रहे मोदी जी को? मोदी जी तो ऐसा किए जो पहला नंबर अयोध्या मंदिर का सब दिन कांग्रेस ताला लगा के डेली युद्ध होता था, वो कम्प्लीट, हमारे भारत ने हिंदुओं धर्म को सब देश सब मिल के सिख सिखाई सबको देश आजाद किए, लेकिन अपना अपना गुरु का मानता सब कोई करता है। मोदी जी ने मंदिर बना दिया, मंदिर बनवाए, 370 धरा हटवाए, इसमें लॉकडाउन में जितना किए कोई देश में नहीं हुआ, जितना भारत में सबसे समीकरण एक नंबर पर था, जो पूरे देश में दवाई इंडिया को चला हुआ है ना। आज भी मोदी को जो जपने वाले पढ़े लिखे हुए हैं, जातिवादी भेदभाव अनेक किस्म का, आपको भी देह में खून है मांस है, मेरा भी खून मांस है, एक कंगाली भी कोढ़िया गिरा हुआ है उसको भी, लेकिन जाएगा सब नदी के किनारे दहेगा, हम भी दहेंगे, आप भी दहिएगा, वो भी दहेगा, है ना। लेकिन कर्तव्य जैसा किए हुए है, उसको कीड़ा पड़ गया, हमको कीड़ा नहीं, आप उठा लिए, चाहे आप प्राण छूटा तुरंत है भैया कैसे हुआ, उठा के लेके चल गया। तो मोदी इतना, तो मोदी जी ने कोरोना काल में खूब काम किया, बहुत काम किया, अभी भी तक ऐसा प्रधानमंत्री देश का होना जरूरी है, आना तो विश्व सम्मेलन पर देखिए, विश्व सम्मेलन पर। अब आप मतलब तीन काम गिना दिए, सब काम गिनाए, जितने अच्छा चाहिए भारत को उतना चाहिए, महंगाई कुछ नहीं है, पहले 1 रुपया बाप मतारी आपको कमाता था, आज 500 रुपया में कहते हैं जो पेट नहीं भरता, तो 1000 सरकार जो दे, अभी 40,000-50,000 टीचर को मिल रहा है, क्या पढ़ाते हैं स्कूल में जाके देखिए, वह प्राइवेट स्कूल में 1000 के महीना बच्चा के पीछे खर्चा तो करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का चीज है, तो दोनों मिली जुली ना चाहिए, स्टेट सेंट्रल से ना चलता है, राज्य की राज्य से सेंट्रल चलता है, सबका अलग अलग है, आपको टैक्स देते हैं तो राज्य सरकार जोर कर लेता है, राज्य सरकार से केंद्र में जाता है, रोड उसको है, रिलायंस उसको है, ट्रेन उसको है, ट्रेन का टिकट है तो चार आना बिहार सरकार को है, उसको महे जा रहा है। सुनिए सुनिए, मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देंगे, हाँ मिल गया, 2 साल तो प्रत्येक साल नहीं मिल रहा है, उससे ज्यादा 4 करोड़ का प्रत्येक साल होता है, नौकरी से नहीं लेना है, हमारी देश को काम होना चाहिए, सब नौकरी ले लीजिएगा, मीडिया देश में क्या है, खेतवा है तो वो हमसे बात करो ना, हमसे बात कीजिए, आप बड़े अच्छे आदमी लगते हैं हमको। चलिए आप अभी बताइए कि 2 करोड़ प्रत्येक साल का 2 करोड़ नौकरी देंगे, मिला या नहीं? मिला या नहीं? मिल रहा है, मिला या नहीं? मिल गया, मिल भी रहा, प्रत्येक साल मिल गया, दो दो मिल रहा, हमको भी लड़का का प्रत्येक साल 2-2 करोड़ नौकरी मिल गया इनको। चलिए आप सुनिए, आप सुनिए, अरे कह रहे हैं अभी भी चलिए, जो पढ़ेगा से लेगा, अरे हमारी बात सुनिए, बड़े इतने अच्छे आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, अच्छा आप मेरी बात सुनिए, उन्होंने कहा कि काला धन वापस लाएंगे, आ गया काला धन? नहीं आया तो सरकार एक दामे, कोई बाप का बेटा नहीं है जो माँ के जोड़े सूता तो बेटे सबके भी आ जाएगा, बेटी नहीं होगा, तो 10 साल हो गया नहीं आया, 10 साल में तो धीरे धीरे सब कथी से तो आया ना, तो लॉकडाउन आप चला लिए, हम चला लिए, आपने कहा कि काला धन आ गया, वो आ ही रहा है धीमे गति से, हम अभी रास्ते में आ रहा है। अच्छा आप सुनिए, उन्होंने कहा दरभंगा एम्स बनाएंगे, बन गया या नहीं? नहीं बना तो बनेगा, में का भाई कौन बना लिया, 10 साल से बना नहीं है, अभी बन जाए, बन जाए, पटना के कहिए स्मार्ट सिटी बन रहा है तो कहिए जो कहाँ बन गया, तुरंत बन गया। चलिए, उन्होंने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट बनेगा, बन गया या नहीं? अरे नहीं बना है तो सब में एक बैग थोड़े हाथ लगा, उनको भी तो काम। अच्छा अच्छा चलिए, उन्होंने कहा शिक्षा पर, एक मिनट जाए, नहीं नहीं, उन्होंने कहा शिक्षा के ऊपर फ्री देंगे शिक्षा, लेकिन शिक्षा पर 18% GST है, ठीक है गलत है? GST लगा हुआ है, उसको
लिए सरकार फिर निदान निकालने के लिए पेपर में दिया। देखिए अब इस बात को समझिए, मोदी जी का हम 5-6 बात गिना, इनको 5-6 में इन्होंने कह दिया गड़बड़ है, लेकिन फिर भी मोदी जी के भक्त हैं। यही ना, जो सच्चाई रहेगा सो कहेगा मोदी जी के भक्त है ना। मोदी जी चाहे किसी भी जो आप भी करिएगा तो हम सच्चाई कहेंगे। मोदी जी सच बात यह है कि मोदी जी बिहार, एक बात समझिए, आप जैसे लोग, अच्छा आप क्या मानते हैं हमारा देश 2014 में आजाद हुआ है? बीजेपी का सरकार बनेगा, कोई उसमें लुकेट है नहीं। स्टूडेंट लाइफ से पूछिए या ना तो पढ़े लिखे हुए शिक्षा से। बात समझिए आप लोग, हम नहीं कुछ समझ रहे। सच बात यह है सर कि मोदी जी जब से पीएम बने हैं बिहार पर कोई उनका ध्यान ही नहीं है, बिहार के लिए कोई काम ही नहीं किए हैं। सच बात यह है, ठीक है, बिहार पे उनका कोई नजर नहीं है। जब आते हैं तो बिहार पे बड़ा बड़ा भाषण देके जाते हैं, मगर बिहार पे कोई नजर नहीं है। बिहार पे नजर जब तक देंगे नहीं, देखिए वो ज्यादा ध्यान दिए हुए गुजरात पे, ज्यादा ध्यान दिए हुए महाराष्ट्र पे, ठीक है, अपना गुजरात को गुजरात बना रहे हैं। बनारस उनका एक ठो एमपी सीट है, बनारस को स्वर्ग बनाने में भिड़े हुए हैं। तो एक ठो 29 राज्य में एक ठो सिटी को स्वर्ग बनाने से नहीं चलेगा। बिहार का कोई भी एक ठो हमको स्टेट देखिए, हमने इतना चीज इन महाशय को गिनाया, महाशय को हमने इतना चीजें गिनाया बताया, इनको पता है कि कोई काम नहीं हुआ जितना हमने गिनाया है, लेकिन फिर भी मोदी भक्त अब क्या कीजिएगा उसको? नहीं नहीं मोदी, देखिए देखिए ये उनका, देखिए ये वो लोकतंतर, एक मिनट लोकतंतर में जीता आदमी, हर आदमी को अपना तरीका से जीने का अधिकार है। इनके दिल में भगवान राम बसते हैं, मेरे दिल में हनुमान बसते हैं, ये मेरा स्वतंत्र जिंदगी है। उनके दिल में मोदी बसते हैं, बसने दीजिए, मगर जो बिहारी है, जितने भी मैं बिहार पे खड़ा होकर के बोल रहा हूँ, मैं भी छपरा मटिहान से बिलोंग करता हूँ छपरा डिस्ट्रिक्ट से, मैं कलकत्ता में रहता हूँ, लेकिन मोदी जी आज तक अभी तक बिहार पे कोई ध्यान नहीं दिए हैं। बिहार पे जब तक वो ध्यान नहीं देंगे, उनका बिहार पे कोई बात बोलना ठीक नहीं है। बिहार को अंधेरा में छोड़ दिए हैं। अब नीतीश जी हम लोगों का सीएम है, लालू जी का लड़का जो है डिप्टी सीएम है, वो अपना हिसाब से चला रहे, लेकिन वो भी क्या करेंगे? बिहार में है क्या? बिहार को चलाने के लिए किसी, आप अपना घर चलाइएगा, आप घर चलाने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। जब तक आपका इनकम नहीं होगा नहीं चलेगा। बिहार में लोग सही से टैक्स नहीं देते हैं, बिहार में करप्शन भरा हुआ है। एक सीएम, एक डिप्टी सीएम क्या करेगा? लेकिन केंद्र का बिहार में कोई ध्यान नहीं है, सच यही है। जब तक केंद्र बिहार में ध्यान नहीं देगा तब तक कुछ नहीं होगा। हर जिले में मोदी जी का वक्तव्य था, हर जिले में एम्स होना चाहिए। बिहार में एजुकेशन लचरा हुआ है, ठीक है, बिहार में हेल्थ लचरा हुआ है। आज जितना हिंदुस्तान का नकली दवा है सब बिहार में आकर के बिकता है। ये बात पॉइंट रखिए और ये बात को बोलिए। तो ये इस पे लगाम लगाना चाहिए, इस पे रोकना चाहिए। आज बिहार का लड़का पढ़ करके पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी मजदूर फंसता है, बिहारी जरूर मिलेगा आपको। देखिए अभी मजदूर 41 मजदूर फंसा, उसमें बिहारी मिला हुआ, इस पे विचार करना होगा। बड़ा बड़ा बात करने से थोड़े होगा। जो बिहार में अमीर है वो अमीर होते जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है। देखिए इस बात को समझिए, अब आपको हम इतना कोशिश कर रहे थे समझाने की। बिल्कुल देखो बात बोल रहे हैं, ऐसा ही उनको भी करना सही है। फिर भी मोदी जी आएंगे, देखिए सब बात सही है, लेकिन आएंगे मोदी जी, मोदी जी आएंगे, मोदी जी तो आना ही है, मोदी जी आना है।